क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर डेली रेसिपी। ये देखें कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट बना है। आप इसे कंटेनर में रखकर तकरीबन 10 दिन तक खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं ड्राई आलमंड केक, जिसे हम अपने टी टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। 1 कप हमने मैदा लिया है, 1 कप हमने पाउडर शुगर ली है, 3 अदद अंडे लिए हैं, 150 ग्राम हमने बटर लिया है, टेबल स्पून में हो गई 6 टेबल स्पून, बादाम लिए हमने 1/2 कप जिनका हमने पाउडर बना लिया, खोया लिया है हमने 1/2 कप, हनी ली हमने 2 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून, बादाम एसन लेंगे हम 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास बादाम एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसन भी ले सकते हैं, लेकिन असली टेस्ट बादाम एसन का ही होता है आलमंड केक में। और जो हमने केक टैन में चीज़ें लगानी है नीचे, उसके लिए हमें चीज़ें है 2 टेबल स्पून बटर, 20 बादाम लिए मैंने और उनको मैंने सेंटर से काट लिया इस तरह, 1/4 कप हमने कूटे हुए बादाम लिए जिन्हें हमने कूट लिया है। तो ये हो गया। तो सबसे पहले हम केक टैन को सजा लेंगे। सबसे पहले आपने केक का सांचा लेना है, उस पर बटर लगाना है, उसके बाद बटर पेपर लगा लेना है। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप खाली बटर लगा लें। ये सारा हम बटर लगा लेंगे इस पर, ये सारा हमने बटर लगा लेना है। ये लगा लिया। अब इस पर हम लगाएंगे ये कटे हुए बादाम। बादाम को हमने, ये वाली साइड हमने नीचे रखनी है और ये वाली ऊपर रखनी है, तो इसे हम डेकोरेट कर लेंगे। ये हमने बादाम सारे डेकोरेट कर लिए। आप जैसे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अभी हम ये कुटे हुए बादाम डालेंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये किनारे जो साइडें हैं इस पर भी हम डालेंगे। अब इसे इस तरह से हिला लेंगे, ये सारा हर तरफ चला जाए। तो ये हो गया, इसे साइड पे कर देंगे। अब हमने तैयार करना है केक का बैटर। तो मैदे में हम शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर, ये बादाम का पाउडर। अब इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया, इसे साइड पे कर देंगे। अब बोल लेंगे, उसमें बटर डाल देंगे। ये बटर डाल दिया हमने। अब बटर को हम बीट करेंगे, साथ साथ इसमें पाउडर शुगर डालते जाएंगे। ये बीट हो गया। अब इसमें हम डालेंगे खोया, बीट करेंगे। बीट हो गया। साथ में डालेंगे हनी, बीट करेंगे। बीट हो गया। अब इसमें डालेंगे बादाम एसन, ये डाल दिया हमने 1/4 टीस्पून, बीट करेंगे, थोड़ा सा बीट करेंगे इसे। हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा, साथ में ये 1 चम्मच मैदा और बादाम और बेकिंग पाउडर की जो हमने मिक्स करके रखी हुई है। तो ये हम डालेंगे 1 अंडा इसमें, साथ में इसकी चम्मच डालेंगे और इसे बीट करेंगे। इसी तरह सारा करते जाएंगे। फिर से दूसरा अंडा डालेंगे और ये डालेंगे और इसे बीट करेंगे।
अब डालेंगे लास्ट वाला अंडा, फिर से ये डालेंगे ड्राई बैटर और इसे बीट करेंगे। अब ये बचा हुआ बैटर इसमें डालेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा बचा लेंगे। ये हो गया, अब इसको हटा देंगे। अब ये बचा हुआ ड्राई बैटर हम डालेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। इसे हमने फोल्ड करना है, ये हमने फोल्ड कर लिया। अब इसे हम केक टन में डालेंगे। अब इसे सेट करेंगे। ये सेट हो गया, हम इसे बना रहे हैं पतीले में। तो पतीले को हमने 5 मिनट तक प्री हीट कर लिया था हाई फ्लेम पे, उसके बाद हम इसे लो कर देंगे। इसे पकाएंगे हम तकरीबन 30 से 40 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे। अब इसे हम बेक करेंगे। चालीस मिनट हो चुके हैं, अब देखेंगे क्या केक बेक हो चुका है। तो ये देखें केक हमारा बेक हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। अब इसे हम अच्छा खासा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसे निकालेंगे। केक हमारा ठंडा हो गया है, अब इसके चाकू की मदद से साइडें निकाल लेंगे। अब इसको निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर कोई सा भी बर्तन रख लें और इसे टर्न कर लें और इसको उतार लें। ये देखिए हमने निकाल लिया, बटर पेपर उसी तरह लगा हुआ है अंदर। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये देखें कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट बना है। आप इसे कंटेनर में रखकर तकरीबन 10 दिन तक खा सकते हैं। मज़े लें, टी के साथ खाएं और मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।